आइए सब लोग कीर्तन भी कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामो रामो हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा रामो रामो हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञातिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो मदाय कृष्ण भ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यस्तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कान टोपी पहन लेता हूँ ज्यादा ही ठंडा है। हरे कृष्ण। तो हम सब द्वितीय स्कंद में है और द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में जहाँ सुखदेव गोस्वामी योगी की गति बता रहे हैं, उन योगी जिनको हृदय में तो भक्ति है
परंतु ध्यान केंद्रित करते हुए भगवान का चिंतन करते हुए वो अपने प्राणों को सभी चक्रों को जगाते 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 यहां से मुख से लेके ब्रह्म रंध्र तक पहुंच के फिर उसको उत्तम समय में यहां से निकाल के भगवान के धाम जाते हैं। और एक्चुअली मकर संक्रांति का ही समय है जिसका प्रतीक्षा भीष्म देव भी कर रहे थे, तो उत्तरायण का बड़ा महत्व है, तो उस समय में वो योगी जो है निकल जाते। तो कहां कहां से जाते हैं और क्या होता है इसको वर्णित किया गया है। और प्रभुपाद तात्पर्य में भी बोलते हैं कि देखो आप अपने आंखों से तो जाके देख नहीं सकते, पर सुखदेव गोस्वामी ने कृपा करके हम सबको समझाया है तो हमें श्रद्धा पूर्वक समझना चाहिए। तो अभी हम लोग कल 23वें श्लोक तक पहुंचे थे, अभी 24वां श्लोक लेते हैं। वैश्वानरम याति विहाय स्वागतः सुषुम्नया ब्रह्मपतेन शोचिषा विदूत कल्कूत हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपसैषुमारम्। ओ किंग, व्हेन सच अ मिस्टिक पासेस ओवर द मिल्की वे बाय इल्यूमिनेटिंग सुषुम्ना टू रीच द हाईएस्ट प्लैनेट ब्रह्मलोका, ही गोज फर्स्ट टू वैश्वानर द प्लैनेट ऑफ डीटी ऑफ फायर wherein he becomes completely cleansed of all contaminations and thereafter he still goes higher to the circle of Sishumar to relate with Lord Hari, the personality of Godhead. तो यहाँ पे कहा गया है, जैसे अभी कल भी किसी ने पूछा था कि ये योगी कहाँ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी आ रहा है कि वो भगवान हरि को मिलने जाते हैं, लेकिन इस परपोट में ये भी आता है कि वो इस ब्रह्मांड में जो भगवान हरि है यानी शिरोदक्षाय विष्णु है उनको मिलने जाते हैं। तो अच्छा हुआ ये यहाँ पे पता चल गया, इसको हम लोग खोज रहे थे, लगता है भगवान ऐसी कर रहे हैं जो हम सोच रहे हो आगे अगले वर्ष में डाल रहे हैं। कल भी कोई बोल रहा था ना, हम लोग सोचते हो अगले वर्ष में आ जाता है, देखो मैं भी सोच रहा था ये अगले वर्ष में आ गए। तो यहाँ कहा गया है कि हे राजन, जब व्यक्ति ऐसे इस जो इधर मिल्की वे लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है, जो भी लिखा है प्रकाशमान मिल्की वे, तो इन्होंने समझा लिया जैसे मिल्की वे कुछ है नहीं, तो एक्चुअली प्रभुपद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो ध्रुव तारा के नीचे जो आवरण बनता है, जैसे ये भूलोक है तो भूलोक से लेके यहाँ पुष्कर द्वीप तक जो बड़ा है, बड़ा इधर तक जो सर्कल बना है, और यहाँ से ध्रुव इसका जो ऐसा आवरण बना है, इसमें सारे तारे और ग्रह रहते हैं, ये एक मिल्की वे, इसको पार करना इतना आसान नहीं है। यहाँ से यहाँ लास्ट में 15.75 मिलियन योजन पे सूर्य है, ऊपर 3.9 मिलियन योजन पे ध्रुव है, और अगर इस स्फीयर का हम इतना पार्ट ले ले वॉल्यूम, पता नहीं कैसे निकालते आप में से जो मैथमेटिक्स में और भी निपुण है, उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डबल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक पायर स्क्वायर का सेक्शन इतना आएगा, ऊपर से इतना, चलो ठीक है आप ही देखिए, स्फीयर का एक अपर पार्ट का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो उतना जो वॉल्यूम है उतना पार करना है। तो ऐसा कहते हैं वो पार करके, और कैसे पार करता है, तो इल्यूमिनेटिंग सुषुम्ना, एक्चुअली जब जीव जाता है ना तो ऐसे नहीं कि उड़के जाता है, तो मार्ग होते हैं, सुषुम्ना मार्ग होते हैं, उन मार्गों से वो निकलते हैं बाहर, उन मार्ग को पकड़ के निकलते, इल्यूमिनेटिंग मार्ग होता है उसको सुषुम्ना नाड़ी भी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना सुषुम्ना मार्ग है, वो ध्रुव से कनेक्टेड होता है तो उधर से निकलते हैं, और वहां वो जाता है, वो ब्रह्मलोक जाने से पहले वो वैश्वानर के लोक में जाता है जहां पे अग्नि के देवता हैं। भगवान गीता में कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः, तो ये कह रहे हैं वैश्वानर के पास जाते हैं, और जो भी उसके अंदर कचरा होता है हृदय में या अनर्थ होते हैं मन में, वो साफ साफ कर दिए जाते हैं, धड़ाधड़ 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 वो अपने आप साफ हो जाता है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली आपको इच्छा रखना कि मुझे साफ होना है, वो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप वहां पहुंच नहीं पाइएगा। और ऐसा करने के बाद वो वहां पे पूरा उसका जो अनर्थ है वो हट जाता है, और उसके आगे वो जो शिशुमार का सर्कल है, शिशुमार यानी जब आप ऊपर से महर लोक से देखते हैं तो ध्रुव और भूलोक के बीच में
ऐसा आपको शिशुमार दिखाई देगा, ऐसा। तो डॉल्फिन को उल्टा कर दो और उसके एक पूंछ में पोल स्टार यानी ध्रुव तारा है, और नीचे कर दो तो सारे प्लैनेटरी सिस्टम उस डॉल्फिन के आकार में ही घूमते हैं। जैसे अगर मैं एक लाइट ले लूं और इसको ऐसे से घुमाऊं, हाँ, तो आपको कैसे दिखाई देगा? तो दिखा नहीं सकते। पर आप अपने रूम में लाइट बंद कर दीजिए और चारों दीवार पे एक टॉर्च घुमा दीजिए सर, तो वो टॉर्च का लाइट बाहर नहीं जाएगा, उस दीवार के सर पेरिफेरी में जाएगा, उस दीवार का चक्कर काटेगा। याद रखिए, उसका मार्ग दीवार तय करेगा। वैसे डॉल्फिन जो अगर शिशुमार इस रूप में वो जो घूमते हैं सारे ग्रह, तो जनरली हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, रिट्रोग्रेड मोशन है, ये है वो है, लेकिन वो डॉल्फिन के आकार में घूमते हैं। और कुछ नक्षत्र ऐसे घूमते हैं, कुछ ऐसे घूमते हैं। और नक्षत्र में क्या होता है, जिस वो राशि का जो नाम है, जो सबसे प्रोमिनेंट स्टार है, उस स्टार के नाम से दिए जाते हैं। तो ऐसा है, तो ये जो है यहाँ पे सब जो घूमते हैं, तो ये योगी जो है यहाँ इस ध्रुव के जो मिल्की वे है, इसको पार करके वैश्वानर पे जाता है, जहां वो सब प्यूरिफाई हो जाता है, और फिर वो मरलोक में जाता है। वहां वो ये शिशु मार्ग को पार कर देता है, और वहां से वहां वो एक्चुअली भगवान हरि को मिलता है। तो भगवान हरि यानी जो शिरोदक्षा है, विष्णु है, वो इस ब्रह्मांड में ही रहते हैं, वो अपना एक वैकुंठ लेके रहते हैं। कभी वो ध्रुव के पास रहते हैं, कभी वो ब्रह्मलोक के पास रहते हैं, वो अपना पोजीशन भी चेंज करते रहते हैं। तो वो वहां पे जाता है, जितना मैंने एक स्कॉलर से सुना है कि अभी लेटेस्ट में वो ब्रह्मा जी के एरिया के पास है। अभी वो ढूंढना पड़ेगा उन्होंने कहाँ से रेफरेंस से बोला, लेकिन मैं सिर्फ एक अपना जो सुना है उसको बस एक डाल रहा हूँ, उसको हम लोग भी स्टडी करेंगे। हाँ, देखो कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। और एक वृंदावन है जहाँ यहीं पे भगवान कृष्ण है, कहाँ इतना दूर जाना है, कम से कम एक मथुरा का टिकट लेके भाग के आ जाना है। हाँ, तो ये यहाँ पे कहा गया है कि योगी इस प्रकार यहाँ से जाते हैं। देखो कितना बड़ा मार्ग है योगी का। योगी यानी किसी भी साधक की बात हो रही है। एक तो वो भौतिक संसार में पड़ा है, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी मैथ्स में होता है ना, प्रोबेबिलिटी यानी अगर आपने अगर आप 10 लोग हैं और घर पे 3 आम हैं, तो किसी ने तो चांस है कि आपको ये आम मिलेगा, इसका चांस है 3/10, है ना। 3 आम है, आप 10 हैं, 10 बच्चे हैं घर पे, या 10 लोग हैं, आम 3 है, तो सबको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको मिलने की संभावना है। हाँ, प्रोबेबिलिटी, संभावना है, आपको मिलने की संभावनाएं 3 है, 10 में से 3 है। 7 बार हो सकता है आपको ना मिले, तो इसको संभावना कहते हैं। उसी प्रकार देखिए एक योगी यहां तक पहुंचे, उसकी संभावना क्या है, थोड़ा हम लोग गणित करते हैं, तभी आपको ग्रेविटी समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ फंसे हैं, कहाँ हम लोग अभी भी टीवी सीरियल और अपने खूबसूरती बढ़ाने में, अपना धन दौलत बढ़ाने में लगे हैं, और कहाँ हमें जाना है। देखिए अभी एक सिंपल आप संभावना लगाइए, खुद ही लगाइए, चांस लगाइए। आप भौतिकता में लिप्त हैं, आप यानी मैं आप यानी हम सब की बात कर रहे हैं, आप यानी जीव की बात कर रहे हैं, आपको इंडिविजुअल नहीं कहा जा रहा है, आप और मैं, हम सब लेट हम सब ही कहते हैं, हम सब लिप्त हैं इस भौतिक संसार में, मोह माया में है। हम सब असत्य को सत्य समझ रहे हैं, असत्य रो सत्य को रिमानी, हाँ, असत्य को सत्य मान के बैठे हैं। हाँ, जो चमड़ा हमारा है नहीं उसको चमकाने में लगे हैं, जो बाल हमारा है नहीं उसको सजाने में लगे हैं, जो तन हमारा है नहीं उसको सुडोल बनाने में लगे हुए हैं, जो हम हैं उसको तो हम ध्यान दे ही नहीं रहे। देखो कितना, एक तो इसका करोड़ों करोड़ों लोग, अरबों अरबों लोग इसी में लगे हुए, अरबों खरबों जीव यानी आप गिन नहीं सकते, अनंत जीव इसी में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी योनि में हो। अब इन सब योनियों में, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि है जो इसको साक्षात्कार कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, 84 लाख में एक, यानी 1/84 लाख, ये चांस है इसको साक्षात्कार करने का। अब उस एक जो है वो असंख्य मनुष्य है, असंख्य मनुष्य आप गिन भी नहीं सकते। ये तो सरकार अपना 6 बिलियन 10 बिलियन ये सब बोल देती है,
इनको कौन गिनने जाता है? ऐसे लाखों लोग हैं जो जिनके घर तक लोग पहुंचे भी नहीं है, और जो फुटपाथ पे सोते हैं और घर बदलते रहते हैं, इसे वो जानते भी नहीं। तो अब वो एक 84 लाख में एक का जो प्रोबेबिलिटी है, उस एक में मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। लाखों करोड़ों में एक कोई जीव होता है जिसको ये अंदर से प्रेरणा मिलता है कि मुझे प्रभु के चरणों का या मुझे इस आध्यात्म के मार्ग को चुनना चाहिए। आप कहीं भी देख लो, आप अपना क्लास देख लो, जिस क्लास में आप पैदा हुए थे, मुझे जितना मालूम है हम लोग 66 स्टूडेंट्स हैं 10th स्टैंडर्ड में। मुझे लगता है अगर कोर स्पिरिचुअलिटी कोई कर रहा हो, कोर यानी जो सच में उतर के उसमें कर रहा हो, अब वैसे तुम कौन कर रहे हो, और इतना देखना पड़ेगा तो और होगा वो, कोई तो 66 में एक और दो होंगे या तीन होंगे कोर में। ऐसे तो धर्म को भगवान को आस्तिक सब होते हैं, कोर में उतरना है इसके तो एक हाथ दो होंगे, दो या तीन होंगे। ऐसे मेरे क्लास में कोई होता तो मेरे हमारा बात हो जाता, लेकिन वैसे समझो फिर भी एक कोई है जो बात नहीं, दो, एक या दो है, तो 100 में एक या दो है, तो सहस्त्रेषु हजारों में एक कोई सोचता है, और उनमें से कोई जाके जो प्रयास करने वाले लोग हैं उनमें से कोई पहुंचता है। तो इन मनुष्यों में भी करोड़ों में, अगर आज 138 करोड़ भारत की जनसंख्या है, तो अगर आप हम भक्त जोड़ लेंगे जो इसमें सिंसियरली जुड़े हैं, जो अच्छे से जुड़े हैं, तो आप समझ लो कि एक भारत तो फिर भी धार्मिक है। अगर आप पूरे विश्व को जोड़ लेंगे, 6 बिलियन या 7 बिलियन लोगों को, तो कितने जुड़े हैं? अब भारतीयों का 20% जनसंख्या ले लीजिए जो सच में भक्ति में जुड़ा है, तो 20 करोड़ को जोड़ दीजिए 6 बिलियन 7 बिलियन, कितना होगा? वो प्रोबेबिलिटी है कितने लोग इस मार्ग को स्वीकार कर रहे हैं। उसमें जो लोग अब अपने इंद्रियों को संयम करके जो भगवान के विराट रूप और परमात्मा स्वरूप को ध्यान करते हुए अपने इस मार्ग की बात कर रहे हैं, वो कार्यकलापों को बंद कर रहे हैं और अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और उसके बाद अब वो अपने प्राणों को ऊपर लाला के यहां करके वो पार कर रहे हैं, ऐसे कितने हैं अभी? मुझे लगता है ये 8 करोड़ में एक हाथ कोई होगा अभी जो ये कर रहा है। सोचो क्या प्रोबेबिलिटी है, कहां से उसका मार्ग है। उसके बाद भी उसके अंदर कल्मश बच जाता है, अनर्थ बच जाते हैं, वो अनर्थ जो खुद नहीं धो पाता, कभी कभी व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता, उतना वो बुद्धिमान नहीं होता, सारा बताने के बाद भी सामर्थ्य नहीं होता। कई बार हमको पता रहता है हम गलत हैं, लेकिन क्या कैसे सुधारें ये पता ही नहीं चलता। तो उसके लिए भगवान बराबर नियोजन करते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति जो है ऊपर जो जाता है, फिर ये ध्रुवलोक पार करना है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ध्रुवलोक पार करने से पहले स्वर्गलोक जाना होगा, और कहीं वो योगी को लगे कि यहाँ का हम कैबरे डांस देखेंगे तो फिर उसको रुकना पड़ेगा, फिर वो फंस जाएगा। उसके बाद उसको जो है ध्रुवलोक मिलेगा, अगर वो ना बोलेगा तब। अब वो भी इस लोक में भगवान हरि के साथ है, आगे पता नहीं क्या है उसका गति, तो तुमको पता चलेगा। तो सोचो ऐसे खलु वैकुंठवासः, तो इतना रेयर है, हमको हमारा समय नहीं गंवाना चाहिए। हमको प्रभुपाद जी जैसे संत मिले हैं जो उधर से भी ऊपर ले जाएंगे गोलोक में उनके, और उन्होंने क्या मांगा है कि आप 16 माला करिए और 4 नियम का जप करिए, 4 नियम का आप पालन करिए। इतना भी अगर हम अपने जीवन में कड़े नियम से नहीं पालन कर पाते, तो ये योगी वोगी फिर बनना पड़ेगा अगली बार, फिर सांस अंदर बाहर ये सब कर करके जो भी कर करके निकालना होगा बाहर आत्मा को। तो इससे अच्छा है कि हम अपना पवित्र जीवन जिए, हरि नाम का जप करें, भागवत का श्रवण करें, और अपना प्रभुपाद के प्रति जो प्रेम है उसको दिखाते रहें और करते रहें, और उनकी सेवा करते रहें, वो हमारा चित्त शुद्ध कर देंगे, वो क्वालिफाई कर देंगे हम सबको जाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा बन जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कहाँ हैं अभी। देखिए ये सब देखने के बाद तो मतलब आदमी डबल सीरियस हो जाएगा। शिशु मार्ग, इतना बड़ा डॉल्फिन का नेटवर्क पार भी करना मुश्किल है। हमको सिर्फ ज्योतिष बोल दिया तो हम इतने अट्रैक्ट हो जाते कि माय गॉड इसको ज्योतिष आता है। हम बोलते हमारा हाथ देखिए, हमारा ये देखिए, हमारे को नक्षत्र देखिए, हमारा चार्ट देखिए, मेरे को मेरा पति कैसा मिलेगा, मेरे को बच्चे कितने होंगे, मेरे को वो, मेरे
मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरा धन कैसे होगा, मेरा जॉब कैसे होगा, सब पूछते रहते हैं। सोचो नक्षत्र का इफेक्ट में इतना अट्रैक्शन है, जब उन नक्षत्रों को पार करोगे तो क्या अट्रैक्शन होगा, जब उनका फॉर्मेशन देखोगे आप, वाह ऐसा कर वहीं फंस जाओगे। तो ये सब पार करना आसान नहीं है। आइए 25वां श्लोक आगे क्या होता है देखिए। योगी योगी यानी हम उस योगी की बात कर रहे हैं जो योग मिश्र भक्त है। तद्वेश्वनाभिं तु अतिवर वर्त्य विष्णु अनि अणीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्म विदामुपैति कल्पायुषो यद् विभूधा रमन्ते। द सुषुमार इज द पाइवट ऑफ द फॉर टर्निंग द कंप्लीट यूनिवर्स एंड इट इज कॉल्ड द नेवल ऑफ विष्णु। जो शिशुमार है ना, ये भगवान का नाभि माना गया है, नाभि जहां जहां से ब्रह्म कमल बाहर आता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो भूमंडल है एक तरह से ये भगवान के शरीर का ही फॉर्मेशन है, उसके नाभि से कमल आता है जिसमें ब्रह्मा जी होते हैं। ये जो नाभि है ये शिशुमार है, वो जो डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन वो है। एंड इज कॉल्ड नेवल ऑफ विष्णु। और कौन से विष्णु? अब ये है गर्भोदक्षाय विष्णु। पढ़ाता हूं, मतलब आश्चर्य क्या है, जिधर जाना है शिरोदक्षाय विष्णु, जहां भी आप हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, जिनका आप ध्यान कर रहे हैं महाविष्णु। यानी जिधर आप बैठे हैं वो भी विष्णु, जहां जा रहे हैं वो भी विष्णु। तो बदलना क्या है? बदलना हमारी चेतना है। विष्णु तो यहीं पे भी है। हाँ, ये जो धरती माता है ये भगवान विष्णु की पत्नी है, भू माता जो है विष्णु की पत्नी है। इसलिए सुबह सुबह लोग प्रणाम करके कहते हैं ना, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे विष्णु की पत्नी, मैं चरण आपको लगाऊंगा तो क्षमा करें मुझे, आप मेरी माता समान है। तो प्रणाम करके फिर व्यक्ति जो चलता बोलता है। तो शिव जी को भी लोग कहते हैं ना, कर चरण कृतम वा कायजम मानसम मानसजम वा विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जो भी मेरे अपराध है शंभु मुझे माफ करिए, ये व्यक्ति माफी मांगता है। तो ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि सब कुछ भगवान से कनेक्टेड है, भगवान से भिन्न कुछ है ही नहीं, भगवान से भिन्न कुछ इस संसार में है तो वो एक ही चीज है। बताइए क्या, कौन बताएगा? 1 करोड़ 1 जीपे में अगर अलाउ करेगा जीपे, इस संसार में भगवान से भिन्न तो कुछ है ही नहीं, फिर भी एक चीज भिन्न है, बताइए क्या? माया प्रभु जी। माया भिन्न कैसी? भगवान तो देवी यश गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान तो कह रहे माया मेरी है। हमारा अहंकार, आपका अहंकार, अहंकार भी तो भगवान का है, अहंकार भी जो है भगवान की शक्ति है, तो 8 शक्तियों में से एक है। वेरी गुड। अभी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कमेंट में भी, बहुत सारे विद्वान गण जो हैं वो लिख रहे हैं, इनका नाम नहीं पढ़ पाता मैं। क्या प्रभु, तो मैं सुना नहीं, क्या चीज? आपकी स्वच्छंदता, आपका जो फ्री विल है वो ही भगवान से आपको जुदा करता है और कुछ नहीं। आपका जो स्वतंत्रता भाव है वही आपको दिखाएगा, वही आपको फील करवाएगा कि भगवान का कहीं कुछ नहीं है, अब सब तेरा है। जैसे घर में मालिक चला जाता है ना कहीं छुट्टी उट्टी पे, तो नौकर जो है मस्त सब लूट लाट के खाता है, उसके अच्छे बेड पे जाके जानबूझ के सोता है कैसे लगता होगा इन लोगों को, उसका कार चला के देखता है, उसका मतलब अच्छे अच्छे जो हाई फाई ग्लास या प्लेट होता है उसमें खाना खा के देखता है। वो भिखारी, उसने कभी सब किया नहीं रहता है, रोज मालिक मैं अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहता है, कब मालिक जाए और ये सब मैं एंजॉय करूं। वैसे है जीव जो है, हालांकि वो घर पूरा सीसीटीवी कंट्रोल्ड है, मालिक देख रहा है, लेकिन मालिक भी बोलता है जाने दो, नौकर जाएगा कहाँ। तो वैसे ही हम सब जीव है ना, हम लोग भगवान को बस छोड़ने की फ्रीविल कर लेते, बस वही हमारा गलती है। बाकी संसार में सब कुछ भगवान के टोटल कंट्रोल में है। यहाँ गर्भोदक्षाय विष्णु का कंट्रोल है, उधर शिरोदक्षाय विष्णु है, बाहर महाविष्णु, उसके बाहर वैकुंठों में तो भगवान ही भगवान है।
क्या हम लोग भी ना अपना मजाक बना लिए भगवान के सामने। हम लोग उस नौकर की तरह जो एंजॉय कर रहे, भगवान बोले कर ले बेटा जाने दे। भगवान वैसे वाले मालिक ने जो कोड़े से मारेंगे, पर उन्हें जानते पगला गया है, पागल है, बस ऐसे इतना ही बोलते भगवान, पगला गया है वो कर रहा है। कोई बात नहीं, भगवान दया करते, बहुत दया आते हैं। भगवान कभी कभी रोते हैं, याद में रोते हैं, सभी जीवों के याद में बहुत रोते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज है वो जो नहीं निकालते, वो है फ्री विल। आपकी स्वतंत्रता को निकाल नहीं सकते, स्वतंत्रता निकालते आप जीव नहीं बचोगे ना, फिर तो आप कंट्रोल्ड शक्ति हो जाओगे, रेसिप्रोकल शक्ति नहीं रहोगे। तो आपका रेसिप्रोकल शक्ति बनाने के लिए वो फ्री विल दिया है, तो बड़े वो भाव में रहते हैं भगवान की, कब ये जीव मेरे पास आएगा। तो चलो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें जाना है। तो यहाँ पे कहा गया है कि गर्भदक्ष, द योगी अलोन गोज बियॉन्ड द सर्कल ऑफ शिशुमार एंड अटेन्स द प्लैनेट महरलोका विच वेयर प्यूरिफाइड सेंट्स लाइक भृगु एंजॉय अ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ 4,300,000,000 years, solar years. This planet is worshipable even for the saints who are transcendentally situated. तो ये कह रहे हैं कि वहां से योगी जो है तो वो चले जाते हैं शिशुमार को पार करके महरलोक में। तो महरलोक जस्ट ध्रुव लोक के ऊपर है, महरलोक यानी स्वर्ग लोक, ध्रुव तो स्वर्ग आ जाएगा, स्वर्ग लोक के ऊपर महरलोक है। तो उस महरलोक में जाते हैं जहां भृगु इत्यादि जैसे बड़े बड़े संत वहां रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं वहां, वो जाके वो स्थित हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, जो इधर ये कैलकुलेट करेंगे अगर आप, तो मैंने जस्ट रेसिप्रोकेटेड यानी आदान प्रदान, कोई कमेंट में पूछ रहा है रेसिप्रोकेटेड ये, तो मैंने आज कैलकुलेशन किया। तो देखिए अब एक्चुअली 4,32,000 का कलयुग होता है, उसके दुगुना द्वापर, उसके तिगुना त्रेता, उसके चौगुना सतयुग, टोटल मिला के एक दिव्य युग का होता है 43,20,000 years। लेकिन वो प्रोपर 20,000 कैलकुलेशन में हटा रहे, 4,30,000 कर रहे हैं हम, लेकिन 4,32 है, लेकिन बस इसलिए इसको ऐसे गिना जाता है, मतलब जैसे होता है ना राउंड अप फिगर करते हैं, ये उनका राउंड अप फिगर है। अब 4,32 ये सब करते जाएंगे तो कॉम्प्लीकेट होते जाएगा, तो 4,30 कर दिया है। तो अगर हम 43 लाख ईयर्स लेते हैं, तो अगर अभी ये जो है हम इसको जोड़ लेते हैं 4,300,000,000 years, ठीक है, ये मैंने अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, अभी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल में सब है पैरेलल फैसिलिटी, ये मैंने कर रहा था करते करते सब लिख दिया। तो एक्चुअली ये महरलोक में जाके जो महरलोक में एंजॉय करेंगे, अब ये जो यहाँ से निकलेंगे भी, क्योंकि वो मिक्स्ड डिवोटी है, याद रखना प्योर डिवोटी तो यहाँ नहीं रहेंगे, प्योर डिवोशन करेंगे तो वैकुंठ जाएंगे, अब मिक्स्ड यानी मिश्र भक्ति करेंगे तो इधर के शिरो दक्षाय विष्णु से मुलाकात होगा और वहां पे आयु होगा। तो आयु है जो अभी मैंने आपको बोला 4,300,000,000 years, यानी मिलियन के आगे 6 शून्य होते हैं और बिलियन के आगे 9 शून्य होते हैं। तो ये मैंने जोड़ा है, अभी देखते हैं इसको जोड़ते हैं। तो अगर एक ब्रह्मा जी का जो एक पूरा 12 घंटा होता है यानी एक दिन होता है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ठीक से, यानी मैं बता रहा हूँ 43,430,000,000 years होगा, हम कैलकुलेटर ले लिए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है अभी। तो अगर हम 40 कितना होगा, ये 1,043 लाख, नहीं ये माइनस होगा थोड़ा सा, ओके इतना, ओके ये हो गया 43 लाख, हाँ ये। तो एक दिन, तो 1,000 दिन ब्रह्मा जी के वो रहते हैं, ठीक है, और इसका 1,000 दिन नहीं, हाँ 1,000 दिव्य युग। तो अगर इसको हम 1,000 दिव्य युग से भी डिवाइड करते हैं वापिस बाद में, तो एक दिन ब्रह्मा जी का जो है वो महरलोक का आयु है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो मैं सही हूं तो शायद यही है। तो ये जो है ब्रह्मा जी का एक दिन जीते हैं वहां पे, ऑब्वियसली हम कुछ नहीं जीते, हमारे हमारे हजारों 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 जन्म हो जाते हैं उधर, क्योंकि ब्रह्मा जी का आयु है 311,040,000,000,000 years। हाँ वैसे भी मैं जोड़ सकता हूँ,
ऐसे भी कर सकता हूँ कि 311 trillion 40 billion years, 1 2 3, इसमें मिलियन भी आ गया, तो मिलियन से मैं हटा दूंगा तो 4 4 4 3 0 0 डिवाइड बाय 4 3 0 0 आ जाएगा, यानी ये सब मेरे को बाउंस हो जाएगा। एनीवेज ये जो भी है, तो बेसिकली यहाँ जितना मैं समझ रहा हूँ कैलकुलेशन में, अगर आप ये सोलर ईयर्स जोड़ते हैं तो एक दिन ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो जीते हैं, ठीक है। एक दिन भी नहीं, मेरे सबसे जो दिन और रात का जो दिन है उतना ही जीते हैं, रात तो वो जिएंगे ही नहीं क्योंकि ब्रह्मा जी खुद सुप्ति में रहते, सब शांत हो जाता है। तो महर लोक में हर रात के बाद वो भी क्रिएशन होता है, इसका मतलब महर लोक का क्रिएशन रात के बाद बदलता है, और नीचे तो ऑलरेडी जो है नीचे भी प्रलय आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया कि उतना जीते हैं, ठीक है। 26वां श्लोक, अथो अनंतस्य मुखानलेन दंडयमानं सनिरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वर युष्टधिष्ण्यं यद्वै परार्ध्यं तदु पारमेश्यम। एट दैट टाइम ऑफ द फाइनल डिवास्टेशन ऑफ द कंप्लीट यूनिवर्स, द एंड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्मास लाइफ, अ फ्लेम ऑफ फायर emanates from mouth of Ananta, from the bottom of the universe. The yogi sees all the planets of the universe burning to ashes, and thus he leaves for Satyaloka by airplanes used by great purified souls. The duration of life is Satyaloka, in Satyaloka is calculated to be 15 trillion 480 billion years. ठीक है, अब आप चिंता नहीं करिए, यहाँ पहले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। उस समय, थोड़ा मैं इधर से पढ़ लेता हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय, ब्रह्मा के जीवन के अंत में, अनंत के मुख से, ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है, और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि दो परार्ध अर्थात 15,480 मिलियन जो भी है सौर वर्ष आकी जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो एक्चुअली अगर इसको आप जोड़ोगे, तो मैंने जैसे इसको जोड़ा तो ये आ रहा था, ये शायद 10 या 20 साल आ रहा था। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि ये जो योगी वहां रहते हैं महरलोक में, तो वहां जब नीचे अनंत, ये ब्रह्मांड है, भूमंडल है, और नीचे अनंत है, पाताल लोक के नीचे अनंत उसको उठा रहे हैं, तो अनंत के मुख से अग्नि आता है जब जब प्रलय का समय आता है। तो पूरा जब प्रलय होता है तो ये पूरा प्रलय होने लगता है, और ऊपर भी जो है महरलोक में भी परेशानी होता है उस समय। तो तब महरलोक के लोग सत्यलोक में जाते हैं, और सत्यलोक का जो आयु है, यहाँ पूरा भस्म होते हुए देखता है, तो वो प्लेन्स में जाते हैं। जो महरलोक में जो लोग होते हैं उनके पास प्लेन्स होते हैं, अपने प्लेन्स से वो सत्यलोक जाते हैं, और नजदीक नहीं है, वो लाखों लाखों योजन ऊपर है। इनफैक्ट लाखों नहीं कह सकते, अब 100-100 योजन ऊपर हो जाता है वो, 100-100 हजार मिलियन योजन इतना ऊंचा रहता है, बहुत ऊपर रहता है वो। मैंने मेरे कॉस्मोलॉजी में पढ़ाया था, हो सकता है इस चीज को मैं वापस जब हमारे 5th कैंटो में कॉस्मोलॉजी आएगा तो वापस डायग्राम बना के पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे वो कहा गया है, तो दस ही लीव्स देयर फॉर, तो ये इनका आयु बताया है। देखो वापिस अगर आपको कैलकुलेट करना है, सत्यलोक का भी आयु है, ठीक है, सत्यलोक का आयु ये कह रहे हैं 15, 48, ये मैं कैलकुलेट कर ही रहा था तो तक क्लास का समय हो गया था 480, इसके आगे 6, 9, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, वाह वेरी गुड। अब इतने साल हैं, तो अगर इसको हम ब्रह्मा जी का डिवाइड बाय 430 लाख ना 43 लाख 0000 तो
36 लाख दिन युग है, उसको डिवाइड बाय 1000 कर दो तो 3600 दिन ब्रह्मा जी के। लेकिन इधर भी तो डे एंड नाइट साइकिल होगा ना, तो डिवाइड बाय 2 होगा ये, तो 1800 दिन जो ब्रह्मा जी के हैं, तो 1800 दिन बेसिकली यहाँ पे होगा, और उसको साल में डिवाइड करेंगे तो 5 साल। तो सत्य महरलोक में जो रहते हैं वो ब्रह्मा जी का 1 साल रहते हैं, और जो सत्य लोक में रहते हैं वो ब्रह्मा जी का 5 साल रहते हैं, उनका आयु वहां पे ब्रह्मा जी के 5 साल वहां रहता है, तो वैसा है। वाह, ये मैंने मेरे कॉस्मोलॉजी में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मैंने वो पढ़ते तो उधर का पढ़ा था, ये वाला नहीं पढ़ा था, लेकिन तभी जब नए नए में पढ़ा था तो बाउंसर जा रहा था बाउंसर मैं बोला रे, क्योंकि ये सब तभी इतना कॉस्मोलॉजी क्लियर नहीं था, भगवान की कृपा से वैष्णव की कृपा से तो समझ में आया। तो ये है, तो यहाँ पे प्रभात बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तात्पर्य कह रहे हैं कि देखो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज हमारे कैलकुलेशन दिए हैं, और यहाँ पे ये छोटे मोटे कैलकुलेशन लेके हम प्रसन्न हो जाते हैं, ये चांद पे गया वाह 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 वाह, यहाँ चांद पे जाने की बात ही नहीं हो रही, पूरा मिल्की वे पार कर देना योगी ने, कहाँ चांद पे जा रहे हम, और सवानो हो गया, मैं देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सत्य लोक के बारे में कुछ बताया है, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि इसका परपोट बड़ा है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसको आप सुन लीजिए, ये कुछ सत्य लोक से रिलेटेड है। 27वां, नयत्र शोको न जरा न मृत्यु नातीन च उद्वेगरिते कतश्चित् यच्चित्ततो दधः कृपया निंद विंदां दुरंत दुख प्रभवानु प्रदर्शनानुदर्शनान। इन दैट प्लैनेट ऑफ सत्यलोक देयर इज नाइदर बिरीवमेंट नॉर ओल्ड एज नॉर डेथ, देयर इज नो पेन ऑफ एनी काइंड, एंड देयरफॉर देयर आर नो एंजाइटीज, सेव दैट समटाइम्स ड्यू टू कॉन्शियसनेस देयर इज अ फीलिंग ऑफ कंपैशन फॉर दोज अनअवेयर ऑफ प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस हु आर सब्जेक्टेड टू अनसरपासेबल मिजरीज इन द मटीरियल वर्ल्ड। तो यहाँ देखो उस सत्यलोक में, वहां कोई, यहाँ कहा गया सत्यलोक में न तो शोक न बुढ़ापा न मृत्यु, वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है, हाँ कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ्य कष्टों को भोग रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि सत्य लोक में जब वो वहां रहते हैं तो ब्रह्मा जी के 5 साल और हमारे तो इतने सारे साल जो हमने गणित किए हैं, तो वहां पे कोई भी प्रकार का एंजाइटी नहीं होता, कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं, कुछ नहीं, सब रिलैक्स। लेकिन वहां पे कभी कभी दया भाव से उनको दया आती है नीचे वाले जीवों पे, हालांकि 5 साल रह रहे तो उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि आगे भी भक्ति हृदय में उनके रहनी चाहिए, तो वो भी नीचे आ जाएगी, ब्रह्म लोक से भी लोग नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे ये सारा नॉलेज जो है पहले भी भगवान ने राजा इक्ष्वाकु को दिया था जो प्रभु राम के वंश में है ऊपर, उधर से धीरे धीरे नीचे आते 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 वो खंड हो गया, यानी परंपरा जो है विखंडित हो गई, तो वापिस भगवान कृष्ण ने वही ज्ञान अर्जुन को दिया। तो हमें उस स्पिरिट को बना के रखना है, हमें इस ज्ञान को परंपरा में चलाते रहना है, ठीक है। हमें स्कूल कॉलेजेस सिर्फ नहीं चलाने हैं, स्कूल कॉलेज तो आपको उधर निर्वाह देगा, लेकिन आध्यात्म विद्या आपको भगवान के पास लेके जाएगा, फिर आपके असली अस्तित्व का मतलब आपको पता चलेगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है, और कई बार प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ लोग भगवद गीता पे कमेंट्री लिखते हैं लेकिन वो लोग मूर्ख है, उनके खुद पता नहीं है कि भगवान ने बोला क्या है, और अपने अपने मन के इंटरप्रिटेशन बढ़ाते रहते हैं, तो इसलिए हमें व्यक्ति को ऐसे चक्कर में नहीं गिर के भगवान का स्मरण करना चाहिए, ठीक है। 28वां श्लोक हम लोग कल लेंगे, ये सत्य लोक में जाने के बाद क्या होता है वो कल पता चलेगा, ठीक है, सत्य लोक के बाद आगे हम कल बढ़ेंगे। यस, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमने इन माता जी के लिए भी प्ले किया, हरे कृष्णा। यस, किसी के लिए क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, है ना।
हरे हरे माता जी को किसी कोई भी ना आप हाथ ऊपर करिए, बीच में पूछ लेने से क्या होता है तो जो हाथ ऊपर करते उनको लगता है हम पे अन्याय हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यस हरिंद्र माता जी, कृष्ण प्रभु जी, यस तो फिर जो देखते हम आसमान में कि वो ध्रुव तारा है, ध्रुव लोग, तो कोई दिखता है इधर से हमें कुछ नहीं, यहाँ से क्या दिखेगा ना, यहाँ से हमारा दृष्टि क्या है, हम तो हमारा फॉग आता है तो फ्लाइट कैंसिल हो जाते हैं, हमारा फॉग आता है तो ट्रेन कैंसिल हो जाते हैं, हमको क्या दिखना है, हमको तो धुंधले में इधर से इधर नहीं दिखाई देता। बोलते हैं कि तो साइंस में पढ़ाते हैं कि पोल स्टार जो है वो ध्रुव तारा है। हाँ तो ध्रुव तारा है ना, आप अभी भी अगर आप अपने नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो ध्रुव तारा दिखाई देगा। हाँ वो बहुत नीचे से कई बार लगता है नीचे हो गया, कई बार लगता है बहुत ऊपर हो गया ऐसे। नहीं नहीं ऐसा है, सुनिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जैसे अगर ये नोटबुक, ये भूमंडल है, हम अगर ये बीच सेंटर है ठीक है, तो इधर से समझो पोल स्टार है, ये पोल स्टार है। अगर प्रोपोर्शन में देखेंगे, अगर मैं इसको 3.9 मिलियन योजन लेता हूँ तो फिर इधर हो जाएगा, तो एक्चुअली ये बहुत ऊपर रहेगा और मैं इधर हूँ कोने में, ठीक है। अब हमारा विजन क्या है, हिमालय और कभी कभी हम खाइयों में रहते हैं, बात समझिए, दिन में भी जो सूरज है ना, हम अगर वैली में रह रहे हैं तो अंधेरा जल्दी हो जाएगा, दिखने वाला सूरज भी नहीं दिखता है, तो क्या होता है क्योंकि हमारा अर्थ है ना वो राउंड नहीं है। कॉस्मोलॉजी मैंने पढ़ाया था कि वो राउंड भी हो सकता है फ्लैट भी हो सकता है, लेकिन महाभारत में वो क्लियर लिखा है कि वो माउंटेन्स एंड वैलीज है, तो उसके कैलकुलेशन हम बना रहे हैं, तो क्योंकि राउंड कहीं नहीं लिखा है, तो हालांकि बहुत सारा लॉजिक राउंड की तरफ जाता है पर उसको हम बाद में और भी प्रूव करेंगे। तो ये ऐसा है, अब इसमें क्या है कि आपका ऑलरेडी विजन है, आप टेरेन में है, जैसे आप ऐसे में वैसे, उसको भी बहुत डिपेंड करते हैं, लेकिन चलो ध्रुव तारा भी देखना ना, तो एक्चुअली वो जो एंगल ऑफ विजन है वो बहुत ही वो हो जाता है नॉर्थ की तरफ हो जाता है, तो अगर आप ओनली नॉर्थ की तरफ हाइट से देखेंगे तो दिखाई देते हैं ध्रुव तारा, ठीक है ना, इसलिए तो यस वो एक्चुअली ध्रुव तारा जो है वो पाइवोटल पॉइंट है, शिशुमार जो है पूरा ध्रुव तारा के अराउंड घूमता है, यानी कैसा है शिशुमार वैसे रहता है, प्लैनेट उस डॉल्फिन फ्रूम में अंदर घूमते रहते हैं, जैसे आजकल मैंने एक देखा है बाजार में बलून होता है, बलून वो बलून में ऐसा डंडा होता है और ऐसा गोल होता है और अंदर में लाइट चलते रहता है, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, टिम टॉम तो अंदर ही अंदर रहते हैं वैसा, तो वैसा है ध्रुव तारा। प्रभु जी हरे कृष्णा, इसमें जो माता जी बोले ना, आपको हाथ रेज करना है माता जी के बारे में, इनके सवाल के रिलेटेड था। यस बोलिए। ये माता जी बोली ना कि हरे कृष्णा माता जी, जो बोले ना कि ध्रुव तारा कभी नीचे कभी ऊपर दिखाई देता है, वो प्रभु जी लेयर्स की वजह से, जो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, आयनोस्फेयर, लोनोस्फेयर है ना, इसकी वजह से वो ऊपर नीचे दिखाई देता है, ये जो लेयर्स है ना प्रभु जी, इनमो तो वो तो जाके साइंस के लॉबी में बोलो, यहाँ पे हम ट्रेटोस्फेयर नैनोस्फेयर नहीं मानते जी, वो तुम्हारे अपने केमिकल स्टडीज हैं। ध्रुव तारा रोज दिखाई देता है, ध्रुव तारा रोज दिखाई देता है, वो देखो हाँ। ऐसा है तो, मैं बता रहा हूँ, अब तुम ट्रेटोस्फेयर को खुजली किया इसलिए मैं, देखो कोई भी मीडियम है जैसे ग्लास स्लैब हम लेते हैं, अगर समझो ये मोबाइल ग्लास स्लैब है, इसके अंदर जो ही यहाँ से ऑब्जेक्ट का लाइट आएगा ना, रिफ्रैक्ट होकर यहाँ से यहाँ दिखाई देगा जी, हम यहाँ दिखना चाहिए लेकिन दिखेगा यहाँ, वैसे ये जो बीच में वायुमंडल है, ऊपर में आकाश मंडल है, उनको पार करके वो एज इट इज नहीं आता जी, तो वो थोड़ा अलग लेवल में दिखाई देता है, तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दिखाई देता है वो आकाश में, सबसे पहले आकाश में अभी लिखा ना कृष्ण लाल जी ने, सबसे पहले वही दिखाई देता है। और प्रभु जी जो हम आंख बंद करते हैं तो हमें कुछ जो दिखाई देता है वो ऐसा लगता है कि हम आकाश में चले गए या कुछ ऐसा अनुभव होता है, वो क्या है वो, क्या मैं समझा नहीं आपका, क्या जैसे हम जब हम आंख ऐसे बंद करते हैं तो हम लोगों को मतलब बिल्कुल अंधेरा नहीं, ऐसे कुछ घूमता घूमता दिखता है। हाँ तो, दिखता है अभी भी दिख रहा है मुझे, वो पता हाँ, नहीं क्या हम सोचते हैं कि स्पेस है, शायद हम ब्रह्मांड, हमारे अंदर ब्रह्मांड है वो आप अभी वो प्रभु जी थे, लोगों पूछे साइंटिफिकली बताएंगे क्या दिखते हैं, किसी डॉक्टर आई सर्जन को पूछिए वो बताएगा, हम लोगों को नहीं पता है। यस रेणु माता हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी आपने वो अभी स्वच्छंदता वाला बताया ना, वो दी बेस्ट था, कभी उस एंगल से सोचा नहीं हमने। और दूसरा प्रभु जी, जैसे कहते हैं कि इंसान, हर इंसान का अपना एक ब्रह्मांड होता है, अपनी एक दुनिया होती है ना प्रभु जी, उससे बाहर, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना कि अपने से निकलने हर का। एक व्यक्ति की अपनी मानसिक बौद्धिक क्षमता होती है जो कर्मों से मिलती है, और कर्म आपके पिछले जन्मों से होते हैं, तो वो उसके बाहर वो सोच नहीं पाता, उतने ही वो लॉबी में वो कर सकता है काम, और उसका एक थॉट प्रोसेस होता है, आइडियोलॉजी उसकी अपनी बनी रहती है। वो ऑब्वियसली जैसे मनुष्य जन्म मिलेगा तो टाइम टू टाइम आइडियोलॉजी चेंज होगा, परंतु वो उसी जोन में रहता है। तो इसको बोलते हैं अपना अपना यूनिवर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दू मुझे भूख लगा है, मैं भी बोल दू मुझे भूख लगा है, तो अब हर एक आदमी अलग अलग सोचेगा। जैसे कोई सोचेगा कि प्रभु जी को 4 दिन से खाना नहीं मिला है, जैसे अगर मेरी माँ को पता बोल दिया मेरे मामा भूख लगा है, देखो मेरे बेटा खाना नहीं मिला है, उसको लगे 4 दिन से बेटा भूख है, और जो मेरे साथ रह रहे हो जानता है कि अभी हो सकता है प्रभु जी को हल्का सा भूख लगा है, अभी अभी तो खाया था थोड़ा और लग गया होगा। तो डिपेंड है किसको क्या इंफॉर्मेशन है। तो वैसे ही संसार में एक ही स्टेटमेंट के अनेक अर्थ निकल जाते हैं, तो वो डिपेंडिंग ऑन उसका अंडरस्टैंडिंग है, और वो उसके बाहर जा नहीं सकता। जैसे कोई बोलता है तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तो वो किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है, उसकी एक्चुअल आइडियोलॉजी क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सब देखना पड़ता है, सोच विचार शक्ति, शक्ति का भी एक लेवल होता है, कर्म यानी आपको ये प्रकृति को हिलाने का जो क्षमता दिया गया है इस जन्म में, उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते। तो ये है अपना एक ब्रह्मांड बना हुआ है व्यक्ति का, ब्रह्मांड यानी सोच विचार से संकल्पित एक सृष्टि बनी हुई जी प्रभु जी, थैंक यू। है। यस ओके आकाश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस मुझे ये बोलना था प्रभु जी, जो मतलब कि अभी जो मतलब आप जो ऐप बना रहे हैं ना कुछ, तो मतलब कि तो यस उसमें जो है ना, मतलब कि अभी जो यूट्यूब है ना हमारा, मतलब कि चैनल नहीं है ना, मतलब हमने मतलब क्रिएट नहीं किया हुआ है, जो मेरा भारत है। देश यूट्यूब यूट्यूब है ना, जो इस पे हाँ आप मेरा इसको अपलोड अपलोड चैनल करते है, हो ना। हाँ मेरा चैनल है। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ कि जो मतलब कि YouTube है ना, मतलब कि उसपे जो डाटा है ना, मतलब कि वो जो है ना कुछ कुछ मतलब इरेज हो रहा है, मतलब उसमें से, मतलब मेरा कि हम जो आपका नहीं, मतलब जो मैंने डाला था कुछ, मतलब कि वीडियो है ना, मतलब हाँ मैं कि जानता हूँ, वो दूसरे का प्लेटफॉर्म है ना, तो दूसरे के घर में सामान रखेगा तो चोरी होगा ही ना, वो अपने हिसाब से सामान रखेगा। तू हाँ किसी के हॉल में जाके रखेगा, अंकल ये सामान रख दो मैं आता हूँ 4 दिन बाद, वो हॉल से, कि वो हॉल से बेडरूम में रख देगा, उसको और भी नए क्लाइंट्स को सामान रखवाना है। जैसे राइट आप चप्पल स्टैंड पे चप्पल रखते हो तो आप इस हाँ स्टैंड में रखते हो, जब तक आप आते हो तो उस स्टैंड में रहता है, क्योंकि वो बोलता है यहाँ जगह नहीं था मैंने उधर रख दिया, वो उसका राइट स्टैंड है, आप क्या कर लोगे। नहीं, तो मतलब कि वैसे अभी जो मतलब कि आप जो ऐप बना रहे हैं, मतलब कि उसमें मतलब कि उसमें बहुत एजुकेशनल वीडियोस होंगे, मेरे जो वीडियोस है ना उसके हाँ कुछ एजुकेशनल पार्ट क्लिप्स उसमें जाएंगे, प्लस मैं कुछ और प्रोफेशनल वीडियोस बना रहा हूँ जो एजुकेशन के लिए होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, अभी हम लोग गुरुकुल खोले हैं ना, तो जहां जहां तक हाँ हम जा सकते हो अलग चीज है, लेकिन मैं राइट सोच रहा हूँ कि वो ऐप में ऐसा होगा कि एजुकेशनल बच्चों के लिए सब सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड 1 to 10 हमारे राइट सब्जेक्ट वो राइट क्लिप में रहेगा, यानी ये 10 लेक्चर उनको दिखा दो या टीचर समझा सकता है, तो वो हम स्कूल्स में देने वाले हैं, तो वो बना रहेगा ना, और हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा, तो उसका डेटाबेस और डेटा सर्वर भी हम ही बना रहे हैं, राइट इसलिए हम यूट्यूब मतलब किसका लिंक नहीं होगा, वो हमारा ही है, उसमें वो सब रहेगा, उसमें लिंक्डइन टाइप रहेगा, फेसबुक टाइप रहेगा, उसमें इंस्टाग्राम, आप उसमें हमारा इंस्टाग्राम अलग होगा, सेल्फी विथ सर्विंग मदर फादर, माता पिता इधर सेवा करो, आज सिर्फ सेल्फी डालो वही अपलोड कर सकते हो, है ना। हाँ ऐसा राइट आप वो ऐसा कर दिया है कि अब आपको ऐसे करना है तो ऐसी भगवत करो, राइट है नहीं ना। वो क्या है ना, जो मतलब सिक्योरिटी है ना, मतलब पूरी मतलब कि उनके पास है ना सबकी, मतलब प्रभु इसकी मैं ओरेकल का डेटाबेस रह चुका हूँ, आप मेरे को उसमें इनपुट नहीं चाहिए, वो आ जाएगा ठीक है ना, आप टेंशन मत। वो जो तुम बोल रहे हो मैं बहुत 20 साल पहले खोपड़ी में डाल के चल रहा हूँ, तो लोड मत लो ठीक है। नहीं, मतलब मुझे वो एक्सपीरियंस हो गया इसलिए मैं बोला था। नहीं वो मेरे भी उड़ा है ना, मैं पहले डिजायटरी में मेरे वीडियोस थे, जो अभी पहले हाँ डिजायटरी था हरे कृष्णा टीवी है, हाँ तो कुछ नहीं मेरे इतने सारे वीडियोस थे बहुत अच्छे थे, बहुत लोगों को लगे, उसी से बहुत लोग मेरे पहचान में भी बने,
तो उन्होंने ही रिकॉर्ड किया, उन्होंने ही डाल दिया, फिर अच्छा उन्होंने निकाल दिया, हम निकाल दिया, तो मैंने बोला मुझे दे तो मैं अपने पे अपलोड कर दूं, बोलते से वाटर मार के ये फलाना है, तो क्या करेंगे। तो होता है एक्चुअली देखो वो सब प्रिंसिपल ही क्या है, यू हैव टू बेल, जो हु विल बेल द कैट, कौन इसका जिम्मेदारी लेगा, तो अपने वीडियोस का खुद जिम्मेदारी लो, काम खत्म, राइट राइट ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो कुछ भी कोई इरेज नहीं कर सकता, आत्मा का साक्षात्कार का जो मार्ग है ना भगवान सबका सजग रखते हैं। इक्ष्वाकु का ज्ञान जब वाइप आउट हो गया तो तेरा मेरा ज्ञान कहां से नहीं वाइप आउट होगा, तो वो वाइप आउट होगा तो वापिस भगवान आएंगे, संभवामि युगे युगे, तो भगवान किसी बुद्धि को प्रेरणा देंगे, वहां से वापिस ज्ञान चालू होगा। यूट्यूब कौन है रे, यूट्यूब को हमने बनाया, यूट्यूब हमको कैसे बनाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्रैक था तुम्हारा सब्जेक्ट। रतन जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस दंडवत, यस हरे कृष्ण। आपका क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन नहीं सुनाई दे रहा है, तो अभी आप पॉज में रखिए उसको, ठीक है? आपका क्वेश्चन बिल्कुल ना होगा, आवाज सुनाई दे रहा है ना, क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं सुनाई दिया प्रभु जी। आप मत पूछिए क्योंकि अभी अभी आपको सुनाई ही नहीं दिया है, तो जिसको जो स्वतंत्रता है उसको भाव कह सकते हैं। हाँ आप अब एक बार वापिस पूछिए क्योंकि जी, अंदर आवाज नहीं आ रही है। जीवात्मा जो है प्रभु जी अपने आप में ढूंढ है, अपने आप में, तो वही जो अभी माता जी ने पूछा था स्वतंत्रता वाला भाव की, तो उसको हम भाव कह सकते हैं क्या? भाव जीवात्मा का अपना भाव है उसकी, मतलब यस जी यस, यही कन्फर्म करना। ठीक जी, हरे श्रवण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे जैसे 16 माला किए तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलता है प्रभु जी, जैसे बोलते हैं कि वृंदावन जाने में कुछ डिस्काउंट मिलता है प्रभु जी, ऐसा कुछ है क्या प्रभु जी? कहाँ पे डिस्काउंट मिलता है वृंदावन जाने में, मतलब क्या चाहिए? मैं क्वेश्चन नहीं समझा प्रभु जी। जैसे 16 माला किया, जैसे इस्कॉन में ज्वाइन हुआ, तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट देते हैं जैसे जिसे, हाँ 16 माला करते हैं, हाँ इस्कॉन में ज्वाइन, तो बोलते हैं ये वो देते हैं, बाद में बोलते हैं कि इससे वृंदावन गए तो, जैसे वृंदावन इस्कॉन में गए तो डिस्काउंट मिलता है। क्या चीज का डिस्काउंट? मैं तो कुछ नहीं डिस्काउंट मिला अभी तक मेरे को, मैं गया 20-25 साल से इधर मूवमेंट में बैठा हूँ मुझे कुछ डिस्काउंट नहीं मिला। डिस्काउंट क्या चीज का मिलेगा? उसमें कुछ है ही नहीं, भगवान का दर्शन फ्री में है, प्रसादम हॉल में प्रसाद फ्री में है, सुबह 9 बजे चले जाओ, आज दोपहर को 3 बजे चले जाओ, प्रसादम फ्री है। अब रहने के लिए तो गेस्ट हाउस है, तो रहने का गेस्ट हाउस का वो तो गेस्ट हाउस का भाड़ा देना पड़ेगा, फिर आपको और क्या चाहिए फ्री में? समाधि में प्रभु जी का दर्शन फ्री है, जप करिए कृपा फ्री है, ब्रज का रज लगेगा, वैष्णव का दर्शन फ्री है, प्रभुपाद क्वार्टर्स फ्री है, तो आपको डिस्काउंट किस चीज में चाहिए? सब तो फ्री है। नहीं तो ये सर्टिफिकेट एक देते हैं प्रभु जी, एक मार्गशीट देते हैं और नहीं, वो जो पैसा देते हैं ना डोनेशन, लाइफ मेंबर बनाते हैं उनको कुछ कुछ देते हैं, लेकिन वो सब भी नहीं मिलता है, लाइफ मेंबर को भी बाहर ही रहना पड़ता है, उसको मिलता कहाँ है गेस्ट रूम, है ही नहीं, वो कहाँ से देंगे, उतने लिमिटेड रूम्स हैं। ठीक है, वो विषय नहीं है, आप मैनेजमेंट का विषय इसमें मत डाला करिए, मैनेजमेंट जो है नहीं, जो स्पिरिचुअल डोमेन है, यहाँ योगियों की बात हो रही, तुम मैनेजर में गुजरे हो, मैनेजमेंट का क्या है वो आप किसी मैनेजर से बात कर सकते हो, है ना? वृंदावन का डिस्काउंट क्या करोगे? लेकिन कृष्णा भी मिल रहे हैं, अब क्या ओरिजिनल माल मिल रहा है मेरे को, ओरिजिनल कृष्णा। यस मंजू, मतलब तो इसका कुछ ये नहीं है प्रभु जी। यस मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मुझे पूछना था, पिछले में बताए थे आपने कि कुंडली जागरण के 6 चक्रों को योगी उसको मंत्रों एवं ध्यान के योग के द्वारा उसको पार कर जाता है, ईश्वर प्राप्ति होती है, तो क्या भक्ति के द्वारा भी उसके इक्विवेलेंट हम लोग उस उतने स्तर पर जा सकते हैं प्रभु जी? जितने भी मार्ग हैं, ज्ञान योग
कुंडलिनी कर्म योग, ये सारे भक्ति करते ही अपने आप हो जाते हैं, आपको इनको करने का जरूरत ही नहीं, शुद्ध भक्ति करते ही ये स्टेज आ जाता है अपने आप जी। यस अजीत सिंह जी। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी अभी इक्ष्वाकु को जो ज्ञान दिया भगवान ने, वो भी इन कोर्स ऑफ टाइम फिनिश हो गया, जैसे द्वारका भी फिनिश हो गई, राम मंदिर का जो है वो भी किसी के माध्यम से ढल गया, ये भगवान ये करते हैं, इसका मोटिव क्या होता है ये करने के पीछे? भगवान के अपने गणित बहुत अलग होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान राम का मंदिर नहीं बना, बराबर, और बड़े बड़े महान विद्वान पंडित ब्राह्मण जो अपना बहुत ज्ञान का बखान मारते हैं वो भी राम मंदिर नहीं बना पाए। कोई मुझे पूछ रहा था कि प्रभु जी ये पॉलिटिशियंस पहला दिन जाएंगे, असली में तो इनको जाना चाहिए, उनको जाना। हाँ ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत बड़े संतों को सबको बुलाया, जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सबको बुलाया वो, उन्होंने बुलाया। लेकिन कोई बोलेगा हाँ ये पॉलिटिशियन है, बोला ना, आप उनको पॉलिटिशियन के रूप में देख रहे हैं लेकिन ध्यान से देखो राम के भक्त है, ठीक है, और भगवान वानर सेना से ही युद्ध लड़े हैं। भगवान की सेना वैसी टेक्निकली पढ़ी लिखी नहीं थी, वानर सेना, ये उनी वानर सेना, ये उनी वानर सेना, राजा राम परतला, ओ राजा राम परतला, ये ही ओ विठले ओ माजे माउलिये। हाँ भगवान राजा राम जो है वो वानर सेना के साथ काम करते थे। कई बार लोग लगता है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल होना चाहिए, ये लोग कभी काम ही नहीं करते, ये लोग सिर्फ बाद में आके मलाई खाते हैं, काम करने वाली वानर सेना होती। तो ये भगवान राम की ये वानर सेना थी, जिसने भी ये बनाया है, जो भी इसमें शामिल है, जिसने भी अपना योगदान दिया है, वो तो सब उस वानर सेना का भाग है। तो मुझे याद है जब ये लोग आए थे, बन रहा था मंदिर का, जब क्लियर हो गया बनना है, मेरे पास कुछ कार्य कर रहा था, जो भी मेरे पास था, जो भी तभी का, सब मैंने दे दिया, बोला ले जाओ। तो देखो कैसा है कि भगवान राम का कैलकुलेशन बहुत अलग है, हर युग में परिवर्तन होता है। अब क्योंकि भगवान राम आ चुके हैं, अब जो है राम राज्य की तरफ वो जाएगा सिस्टम, गुरुकुल खुलेंगे, ऑलरेडी मंत्रालय बहुत बड़ा काम कर रहा है, जो अंदर के अंदर लोगों को मालूम है, उसमें सब जगह गुरुकुल खुलेंगे, और ये जो हमारा सिलेबस है ऑलरेडी सरकार ने लिया है, तो वो चल रहा है उस पे काम, और उसके बाद हर गांव में वो लोग गुरुकुल खोलने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग लगे हैं, जो है उनका टीम पूरा लगा हुआ है, मेरे से बात भी होता, और सभी सजग हो रहे हैं, सभी साधु संत महात्मा, सभी समाज के जागरूक लोग, जो धनी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, ये लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं कि इसकी बड़ी जरूरत है, क्योंकि अब ऑलरेडी सब एक साथ सड़ गए हैं, अब बच्चे लोग निसंस्कारी हो गए हैं, कामुक हो गए हैं, हर कोई नंगा नंग धड़ंग घूम रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं, हाँ मतलब कितना कपड़ा पहनना चाहिए अभी उनको पता ही नहीं, ऐसे नहीं कि लोग दुष्ट हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, उनको लगता है ऐसे रहना अच्छा है, ऐसे ही रहना हमारा जीवन है। तो एंड ऑफ द डे ये सब कचरा जो था वो भगवान ने देख लिया, अपने आप पे भी सह लिया, और भगवान है ना, कोई बोल रहा था भगवान है तो अपना मंदिर क्यों नहीं बना लेते, तो बनवा तो रही है। इनको जलन होता है, उनको तो नहीं अपने, अरे भगवान बना रहे तू लड़ मत ले, फिर भगवान एक ही बार आते हैं, और फिर जैसे 14 साल रावण को दिया, फिर एक क्षण में रावण को खत्म कर दिया, वैसे भगवान ने इन गधों को दिया था 14x5 70 years दिया था। तो हो गया, भगवान ने 5 गुना ज्यादा समय दिया, सोचो, और वहां उस रावण ने सीता को हर लिया था, इस रावण ने जो है सीता यानी लक्ष्मी जी को करप्शन करके हर लिया था, अब वो सब जो है सीधा स्ट्रेट, अभी भी मालूम है अभी अभी के जो गवर्नमेंट अब काफी फेयर है, क्योंकि जो पैसा है जो भी ट्रस्ट को जाना है या कहीं भी जाना है डायरेक्ट अकाउंट में आता है, बीच मीडियम वाया ये सब कुछ झोलझाल रहता ही नहीं है, सीधा आपको काम करो दिखाओ, और नहीं होगा तो फिर ईडी बिठा देगा, अच्छा भी है ना, ईडी है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए, और डर क्यों रहा है, जब हमने कुछ किया नहीं तो डरना क्या, ईडी को भी गले लगा लो, लेकिन हमने कुछ किया है तो ईडी से डर लो और कुछ नहीं।
तो पॉइंट क्या है, वो तो ठीक है, वो सरकार का अपना कार्यकाल है, वो अपना काम करे और उससे जनता का फायदा हो तो जनता उसको चुने, वो डेमोक्रेसी का रूल है। लेकिन आने वाले समय में जो ही ऐसा कहते जंगल में आग लगता है तो सांप और बिच्छू भाग जाते हैं, वैसे जो ही भगवान राम का 22 तारीख को इंस्टॉलेशन होगा, उसके बाद जो एक वेव क्रिएट होगा सनातनियों के बीच में, उससे भगवत गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, धार्मिक ग्रंथ, अभी मैं देख रहा हूं बहुत लोग खरीद रहे हैं, पहले गोरखपुर ग्रस्त का खरीदता नहीं था, अब सब लोग लेके जा रहे हैं। कल मैं खुद यहाँ रखा है मेरे सामने, मैं लेने गया था एक छोटा सा किताब, मैं 9,000 की किताब लेके आ गया और वहां जाने के बाद पता चला मेरे अकाउंट में कुछ 2200 या 2300 रुपए थे। तो मैंने फोन किया दो तीन लोगों की, भाई मुझे इस किताब की दुकान से निकालो। ऑब्वियसली उसमें आप लोगों के लिए लिया है, मैंने 112 उपनिषद लिए हैं, कुछ और भी ग्रंथ थे जो षड् दर्शन के रिलेटेड कुछ बुक्स थे तो मैंने लिए। तो पॉइंट क्या है कि ये अपने आप बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मठ मठाधिपति मुझे फोन भी करते हैं, बोलते महाराज हमको ये खोलना है, आप हमको गाइड करिए। तो मैं उनको बताता हूँ जो भी मुझे पता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मठ है, लोग हैं, शिष्य हैं, उनको बस सिस्टम देना है, हमारा काम है सिस्टम। इसलिए मैं ऐप भी डेवलप कर रहा हूँ ताकि इसके बाद मुझसे बात करने की जरूरत है। अभी क्या है, मेरे को दिन में 500 कॉल आते हैं, मैं क्या करूंगा, उसके बाद ऐप दे दूंगा, उसमें सब रहेगा, सेल्फ एक्सप्लेनेबल रहेगा, और उसके अलावा कुछ चाहे तो पर्सनली लोग टॉक कर सकते हैं। तो ऐसा है, उससे क्या गुरुकुल बढ़ेगा और भगवान के जीवन में के लिए जो ये जिस मकसद के लिए हमने समर्पण किया प्रभुपाद के लिए, वो मकसद पूरा हो जाएगा। तो प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे तो अपना भी नंबर लग जाएगा, उधर कंसेशन मिलेगा मुझे। तो ये बहुत जरूरी है। तो एनीवेज हम कहाँ थे, हम कहाँ चले गए, पर जहां भी थे तो बेसिकली अभी राम राज्य आने के बाद असुर लोग थोड़ा हल्ला मचाएंगे, पर असुरों का सोच तो वो गटर के नाले के कीड़े की तरह है, वो वैसे ही रहेंगे, उनको उस नाले में ही रहने देना है। उसके ऊपर उनको उठा भी दोगे, किसी कीड़ों को वहां से निकाल के अपने हाथ पे भी रखोगे तो काटेगा ही, समझा, और रोग फैलाएगा। उन उन रोगियों को अपने कीड़ा क्या है ना, वो अपने ही कीड़ा कीड़ा में खेलते रहते हैं, उसको छोड़ देना है। ठीक है, हरि बोल हरि बोल, धन्यवाद प्रभु जी। हे कृष्णा। यस आर्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडक प्रणाम। प्रभु मेरा इससे रिलेटेड प्रश्न है, अपना जो श्लोक चल रहा है तो इसमें जो दिया हुआ है तो सब जो प्रोसेस है योगियों के लिए दिया है ना, ध्यान योगी, अष्टांग योगी, इस तरह। नहीं, भक्त जो योग मिश्र भक्ति करता है यानी ध्यान के माध्यम से भक्ति करता है उसको, मतलब हम जैसे भक्त भी इसमें इन्वॉल्व है। हाँ हम नहीं, हम इन्वॉल्व हो सकते जो हमें बहुत तपस्या कर रहे हैं, जो तपस्या करके प्राण निकालना चाहते हैं उनका बात हो रहा है, हम तो कुछ नहीं, हम तो मतलब वी आर डिवोटीज ऑफ महाप्रसादम, हम तो नहीं, महाप्रसाद प्रभु प्रभुपाद या नहीं, नहीं, वो से, नहीं, वो नहीं आएंगे इसमें। फिर किस तरह से? नहीं तो ये भागवतम में ये सुखदेव गोस्वामी को बताया जा रहा है ना, क्योंकि वो अंतिम समय में थे, लेकिन आगे वो खुद ही इसको आगे एडवांस करेंगे। पहले उन्होंने विराट रूप बताया इनिशियल, फिर परमात्मा बताया, फिर निकलने का बताया कहाँ कहाँ से जाते, तो बोलते अब वो बोलेंगे इतना समय है नहीं तो फिर आगे और आएगा, समझ रहे हैं। हम लोग अभी परीक्षित महाराज के शरीर में हैं, हम लोग परीक्षित हैं, हम लोग बैठे हैं, तो अभी सुखदेव गोस्वामी खत्म थोड़ी किए हैं, ये थोड़ी बोले फुल एंड फाइनल भागवतम बंद, चल उठ निकल, नहीं अभी चालू है। मतलब भीष्म पितामह जैसे जो योगी थे उनके लिए हो सकता है? भीष्म पितामह, उन्होंने उत्तरायण का इस्तेमाल किया पर वैसे वो शुद्ध भक्त थे। मतलब कैसे होता है सुनो, तिथि का इस्तेमाल ये लोग को तो करना ही पड़ता जो इस कैटेगरी के हैं, लेकिन भक्त भी चाहता है कि अच्छी तिथि में प्राण छोड़े। अभी कल एक माता जी थी ने जिनके लिए हमने कीर्तन किया, वो राम की इतनी अच्छी भक्त है, उनकी उनका बेटा बेटी दामाद सब इतने वेल सेटल्ड है, लेकिन उनके घर में गई ही नहीं, अंत तक धर्म परायण थी और वो अंत तक बुढ़ापे तक अपना सेवा करती थी, लास्ट में एडमिट भी हुए तो उनको रिलेटिव्स ने बोला घर पे, सब वहां के भक्त लोग आके कीर्तन किए और उन्होंने तब तक प्राण नहीं छोड़ा, कल जब संक्रांति आया तो प्राण छोड़ा। तो अब ध्यान देखोगे तो वो माता जी ने जानबूझ के तो किया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो आधे कॉन्शियस में थे, लेकिन भगवान ने वो दिन चुना। तो भगवान कभी कभी करते, अभी भी लास्ट में मैंने गया था ना वो ठाणे में एक माता जी का अग्नि के लिए गया था, उसने एकादशी में प्राण छोड़ा,
हालांकि उसको तकलीफ तो वो ऐसा होता है, भगवान बराबर कर देते हैं, वो भगवान का बाई प्रोडक्ट है। और वो नहीं भी करेंगे तो जिस दिन वो वैष्णव जाएगा वो दिन पावन हो जाएगा। ये पावर है वैष्णव का, ऐसा है। गुरु जी नहीं, मैंने एक और सुना था कि उत्तरायण का मतलब वो है कि जो उत्तरा उत्तरा में जिन्होंने आयन लिया, जिन्होंने शरण ली, जो उत्तरा के गर्भ में शरण लिए थे। नहीं नहीं, अमरेंद्र प्रभु जहां तक बताए थे वो यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। उत्तरायण प्रॉपर तो वो ऐसे, हाँ वो कह रहे थे कि वो कृष्ण के आने का वेट कर रहे थे एक्चुअल में, जो उत्तरायण है। दोनों दोनों मीनिंग उत्तरायण कैसे तो अगर आचार्य बोलेंगे तो पता चलेगा, ऐसे कुछ अभी तक तो मेरे पढ़ने में नहीं आया है। और मैं भी इसलिए बोला क्योंकि क्योंकि अमरेंद्र प्रभु बोले ना, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो शास्त्रों से ही। मैं कह रहा हूँ आप नाम से ज्यादा रेफरेंस दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या हो जाता है तुम बोल देते हो, मैं भी कहीं बोल देता हूँ, फिर लोग मुझे पकड़ते, तो मैं अमरेंद्र को पकड़ नहीं सकता। हालांकि वो मेरा फोन उठा लेगा, लेकिन पॉइंट है कि रेफरेंस कहीं है तो चेक करो वो, क्योंकि देखो अभी नॉर्मल जो उत्तरायण होता है ना, जैसे कृष्ण गीता में उत्तरायण बोलते हैं, क्षण मासा उत्तरायण, तो वो उस उत्तरायण की बात, वहां उत्तरा के गर्भ में आयन करने वाला वो तो परीक्षित हो गया। चलो कोई बात नहीं, कृष्ण भी गए थे ना बचाने, वो शयन करने नहीं गए थे ना प्रभु, शयन वर्ड गलत हो गया, सॉरी सॉरी। जो जिनमें नर आश्रय लेते हैं वो नारायण, समझा, तो उत्तरा के गर्भ में भगवान ने आश्रय नहीं लिया था, वो तो वहां मदद करने गए थे। तो एनीवेज अगर कोई आचार्य लिखते हैं, देखो संस्कृत ऐसा विषय है ना प्रभु कि आप इसको तोड़ मरोड़ के बहुत कुछ कर सकते हो। उतः अयनम तो उत्तरायणम ऐसा कुछ चालू हो जाएगा, संस्कृत बड़े बड़े ज्ञानी है यहाँ पे, बात वो नहीं है, आपको बहुत प्रिटेक्स्ट और कंटेक्स्ट क्लियर रखना पड़ेगा। यहाँ अगर योगी प्राण छोड़ता है वो उत्तरायण, यानी वो काल उत्तरायण है और कुछ नहीं। हाँ हाँ, ये मैं तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहा था, मैंने जो सुना बस वही काम है। नहीं तो जो सुना है तो रेफरेंस में बोल दो तो ज्यादा अच्छा है, अगली बार नोट डाउन कर लो। क्योंकि मैंने हाँ, नहीं सुना अभी वो मेरे से, फिर अभी जब वो मिलेगा कहीं आचार्य का टीका में तो मैं ले लूंगा, वो होगा आगे। जैसे भी मैंने बोला ना, मुझे ये नहीं मालूम था कि जो योगी है वो कहाँ जाता है, तो किसी ने पूछा भी था, तो मैंने बोला मुझे मालूम नहीं है, तो अभी आज के परकोट में आ गया, शिरो दक्षिण विष्णु के पास जा रहे हैं। और महर लोक और ब्रह्म लोक का टाइमिंग सत्य लोक का मालूम नहीं था मुझे, कितना आयु है आज कैलकुलेट किया तो पता चला यहाँ का एक दिन है, वहां का 5 साल जो भी है, तो ऐसा रहता है। तो थिंग्स कीप अपग्रेडिंग होगा, ये भी बात आएगा तो आया, हो सकता है आगे आचार्य के टीका में आए, ठीक है, इसलिए हम लोग ग्रेजुअली जा रहे हैं। आज हमारे कृष्ण लाल जी भजन सुनाएंगे, हरि बोल कृष्ण लाल प्रभु की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु, प्रभु जी आगे आगे एकदम भारत कथा है आर्थ की परमार्थ की स्वार्थ की है स्वार्थ की परमार्थ की सार जिसके बने श्री कृष्ण पार की सत्य प्रभु आपका आवाज नहीं आ रहा है, और आपका आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, एकदम गायब हो गए। कोई बात नहीं, इसको हम लोग होल्ड करते हैं प्रभु जी, अभी अभी इसको कल हम लोग स्टार्टिंग में ही ले लेंगे। आप आपको टावर में रहना होगा, टावर नहीं है प्रभु जी, टावर वीक है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो एनीवेज हम लोग कल ले लेंगे प्रभु जी इसको, आइए हम सब कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।